नमस्कार, मैं हूं मेघा सिंह और आप सभी का स्वागत है एसपीएन 9 न्यूज में। लद्दाख सीमा पर चीनी निर्माण को लेकर एक बार फिर से राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर जोरदार हमला किया है। आपको बता दें कि लद्दाख सीमा से सटे चीन के द्वारा जो है चीनी सैनिकों के द्वारा लगातार निर्माण किया जा रहा है सड़कों का, और इसे देखकर कहीं ना कहीं भारत की जो यहाँ पर समस्याएं हैं आने वाले समय में बढ़ सकती है, और इसी को लेकर राहुल गांधी ने जो है बीजेपी पर निशाना साधा है। आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक ट्वीट कर लिखा है कि चीन भविष्य में इस चीज की तैयारी कर रहा है, युद्ध की एक तरह से कह ले तो तैयारी कर रहा है, और इसकी नींव अभी से ही रख दी गई है और इस चीज को नजरअंदाज किया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा, जो कहीं ना कहीं देश के लोगों के साथ बेईमानी है, धोखेबाजी हो रही है देश के लोगों के साथ इस मुद्दे को नजरअंदाज करके। और अब देखना यह है कि राहुल गांधी जिस तरह से ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं, इस ट्वीट के बाद क्या भारत सरकार के ऊपर लोगों के सवाल खड़े होंगे, क्योंकि यहां पर देखने को मिल रहा है कि चीन और भारत सैनिकों के बीच लगातार झड़प बढ़ रही है। सीमा विवाद जो है काफी समय से चीन और भारत के बीच चल रहा है। वहीं राहुल गांधी ने हाल ही में विदेश दौरा भी किया है और वहां पर भी उन्होंने अमेरिका के जनरल से इस मुद्दे पर बात की, और अमेरिका के जनरल ने भी चीन के इस कार्रवाई पर जो है अपनी चिंता जताई है और कहा कि आने वाले समय में जो है चीन जिस तरह से कार्रवाई कर रहा है वो सही नहीं है और इसके गंभीर परिणाम भी भुगतने पड़ सकते हैं। अब देखना यह है कि भारत एक तरफ जहां देखने को मिल रहा है कि सीमा पर विवाद चल रहे हैं, जहां भी चीन की सीमा भारत से सटी हुई है वहां वहां पर दोनों सैनिकों के बीच लगातार झड़प की खबरें सामने आती रहती है। चीन विस्तार करना चाहता है अपनी सीमाओं को, इस वजह से भी देखा जा रहा है घुसपैठी की जो है खबरें निकलकर सामने आ रही है। अब जिस तरह से लद्दाख में चीनी निर्माण कर रहे हैं उससे आने वाले समय में भारत को काफी समस्या हो सकती है, और इस बात पर अभी तक भारत सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से राहुल गांधी ने भारत सरकार और मोदी की सरकार पर हमला बोला है, अब देखना यह है कि बीजेपी की तरफ से क्या इस बात पर अब कोई रिएक्शन सामने आता है, क्या इसके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा, और चीन के इस निर्माण को क्या मोदी सरकार रोकने की कोशिश करेंगे या नहीं। आज के लिए बस इतना ही, आगे की खबरों के लिए देखते रहिए एसपीएन 9 न्यूज। धन्यवाद।